देखिए एरिक एरिक्सन के सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं आज। सबसे पहले तो ये अमेरिकन जर्मन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं, क्योंकि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पर काम किया है इन्होंने। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था ये हमारे काम की बात नहीं है। ठीक है, इनकी मृत्यु कहाँ हुई ये भी हमारे काम की बात नहीं है। बस अगर इम्पोर्टेंट है तो ये है कि बिकेम फेमस फॉर कॉइन द फ्रेज आइडेंटिटी क्राइसिस। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि ये आइडेंटिटी क्राइसिस जो कंसेप्ट है या जो टर्म है किसने दिया था, तो याद रखना है कि ये किसने दिया है, आपका एरिक एरिक्सन ने। तो आइडेंटिटी क्राइसिस को हम बोलते हैं पहचान संकट। तो पहचान संकट इसको कहा जाता है। क्या मतलब होता है पहचान संकट का, क्या होता है आइडेंटिटी क्राइसिस, तो आगे आगे की जो हमारी स्लाइड्स हैं उसमें हम इसको जानते हैं। सबसे पहली बात अगर हम कहें कि कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो वो एक कॉन्फिडेंस पाना चाहता है कि जो उसके केयर टेकर है वो उस पर ध्यान देते हैं या नहीं देते हैं। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ट्रस्ट, विश्वास, राइट। और इसी विश्वास के साथ उसके जीवन का आरंभ होता है। अगर उसको विश्वास मिलता है, अगर वो कहें कि वर्च्यू ऑफ ट्रस्ट जो आपका है वो अचीव कर लेता है, तो वहां से उसका जो पर्सनैलिटी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना आरंभ हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो मिसट्रस्ट की तरफ जाता है और इस प्रकार से उसका जो पर्सनैलिटी वो नेगेटिव वे में जाना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी को इन्होंने साइको सोशल डेवलपमेंट कहा है। साइको मतलब होता है आपका मनो और सोशल मतलब का सामाजिक। तो इस प्रकार से सिगमंड फ्राइड के जो सॉरी एरिक एरिक्सन का जो सिद्धांत है उसको हम विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत भी कहते हैं। आप लोग नोट कर सकते हैं, हालांकि मैं आपको क्लास के बाद वीडियो शेयर कर दूंगा, पर्टिकुलर जो इससे पहले बना हुआ है हमारा, है ना, वहां से आप नोट करिए क्योंकि ये तो रिविजन क्लास है। तो मनोसामाजिक सिद्धांत के जनक कौन है, एरिक एरिक्सन, ये आपको याद रखना है। भाई बहुत बार प्रश्न पूछा आता है एरिक एरिक्सन को लेकर के, अगर मैं बात करूँ यूटेट की, तो यहाँ पर फेमस तीन ही क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं पूछता है। सबसे पहला क्वेश्चन होता है उनका कि एरिक एरिक्सन का सिद्धांत कौन सा है, तो किस नाम से जाना जाता है, तो साइको सोशल यानी कि मनोसामाजिक। दूसरी बात, कितनी अवस्थाएं इसमें बताई गई हैं, तो 8 अवस्थाएं इन्होंने बताई है। और तीसरा अगर ये पूछता है तो जो स्टेजेस आपको आगे पढ़ाई जाएंगी वो स्टेजेस का जो कंपेरिजन है उसको ये पूछ लेता है। ठीक है, जो 2 स्टेज एक साथ है उनको देगा और मिसमैच वाली स्टेज को आपको पहचानना होगा। ठीक है, आगे बताऊंगा आपको क्लास में। कंपेयरिंग 8 डिस्टिंक्ट स्टेजेस फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड। ठीक है, एडल्टहुड गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ये तो इनका मृत्यु तक की जितनी अवस्थाएं सब इन्होंने डिफाइन की है। ड्यूरिंग ईच स्टेज द पर्सन एक्सपीरियंस अ साइकोलॉजिकल साइकोसोशल क्राइसिस, और हर अवस्था में बच्चा जो है वो मनोसामाजिक संकट का सामना करता है। जैसे पहली अवस्था अगर हम बोले, आगे चलते हैं, चलिए अवस्थाएं देख लीजिए आप लोग। ठीक है ना, पहली अवस्था की अगर हम बात करें तो ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रस्ट, आप ये देख सकते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रस्ट, यानी कि पहचान सॉरी विश्वास बनाम अविश्वास। ओके, देन ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। तो मैंने आपको बोला था कि इससे 3 तरह के प्रश्न बनते हैं आपके। पहला तो ये कि इनकी थ्योरी का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ थ्योरी गिवन बाय एरिक एरिक्सन। दूसरा कि कितनी अवस्थाएं इन्होंने दी हैं। तीसरा, ये अवस्थाओं को क्रम में पूछ लेता है वो, या फिर ऐसा बोलेगा आपसे कि विच अमंग द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, ठीक है, स्टेज बाय एरिक एरिक्सन। तो मिसमैच का मतलब कि पहला देगा आपको ऑप्शन ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, दूसरा ऑटोनॉमी वर्सेज शेम, तीसरा आपको इनिशिएटिव के साथ वो गिल्ट की जगह पर लिख देगा आइसोलेशन, कंफ्यूजन, कुछ और लिख देगा, तो वो आपको पहचान करनी होगी। समझ में आ रहा है, एक बार कंफर्म करिएगा। यस सर। ठीक है, तो चलते हैं बैक। तो मैं बता रहा था आपको कि ईच क्राइसिस कुड हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो कोई भी क्राइसिस होता है, चाहे वो आपका, अभी बोला था आपको साइकोलॉजिकल क्राइसिस एक्सपीरियंस करता है, वो तो कौन कौन से होते हैं बताती है आपको। फिर
जो भी स्टेज है उस स्टेज में जो भी क्राइसिस इसको होता है किसी बच्चे को, उसका पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चे पर देखने को मिलता है। और ये सार्वभौमिक बात है, ऐसा हमेशा हो जरूरी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस ये ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा इनका मानना है। क्योंकि देखो जो भी साइकोलॉजिकल स्टडीज होती हैं वो एक सर्वे टाइप का होता है, वहां पर कुछ सैंपल्स लिए जाते हैं, उन पर रिसर्च की जाती है, स्टडी की जाती है। तो वो कहते हैं एक प्रकार से कि यूनिवर्स को आपका आइडेंटिफाई करता है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि हर केस में ऐसा करेगा, ठीक है। तो बहरहाल क्योंकि आप लोग अगर साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता रहा होगा, उसको आप अपने से थोड़ा सा मैच करके समझने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इरेक्शन पुट्स अ ग्रेट डील ऑफ एम्फेसिस ऑन द एडोलेसेंस पीरियड, फीलिंग इट वाज अ क्रूशियल स्टेज फॉर डेवलपिंग अ पर्सन्स आइडेंटिटी। अभी देखो एडोलेसेंस स्टेज कौन सी होती, किशोर अवस्था बोलते हैं इसको हिंदी में, ये किशोरावस्था कौन सी होती है, 12 से लेकर के लगभग 18 वर्ष तक की जो अवस्था होती है इसको हम टीन एज भी कहते हैं। और यही स्टेज है या फिर यही एज जो है आपकी किशोरावस्था की, इसी समय बच्चा कौन सी क्लास में होता है, देखिए 9 to 12 का जो टाइम है वो यही होता है। और ये कहा भी जाता है कि यही टाइम बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप थ्री टेट या यूटेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसी एज को ये फोकस आपके सामने करेगा। तो ये देखिएगा कि आपके क्वेश्चन भी एडोलेसेंस के आसपास ही पूछे जाते हैं, ठीक है। सारे स्टेजेस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी 3 या 4 ही इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी है बताते हैं आपको। फॉर इरेक्शन दीज क्राइसिस आर ऑफ अ साइकोसोशल नेचर बिकॉज दे इन्वॉल्व साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्टिंग विद द नीड्स ऑफ सोसाइटी। तो इनका ये कहना है कि ये जो भी क्राइसिस हैं ये साइकोसोशल है, यानी कि मनोसामाजिक है प्रकृति में। क्यों ऐसा कह रहे हैं ये, अब सामाजिक का मतलब क्या है और मनो का मतलब क्या है, बताओ, बोलो। हेलो, अच्छा चलो इसको ऐसे समझो आप कि आपका जो पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, वो आपकी साइकोलॉजी को प्रेजेंट करता है, यस और नो। हेलो, यस तो है भाई, आप सामने वाले इंसान को किस रूप में समझते हैं, है ना, वो आपकी साइकोलॉजी को प्रेजेंट करता है, ठीक। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि हमेशा आपका ओपिनियन आपकी सोसाइटी का ओपिनियन हो ऐसा जरूरी नहीं है, सोसाइटी के ओपिनियन में और आपके ओपिनियन में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं, बोलो हाँ या ना। यस सर। एक लड़का है, उसका मन है स्मोकिंग करने का, स्मोक करना चाहता है, लेकिन अपने घर के अंदर तो नहीं कर सकता ना, या अपने जान पहचान वालों के सामने नहीं कर सकता, कि वो सोसाइटी में एक अच्छी पर्सनैलिटी नहीं मानी जाती है, यस और नो। यस सर। यस सर, बोलो हाँ ना, ठीक है। यस सर। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे केसेस हमारे साथ होते हैं जहां पर हमारी जो इच्छा होती है और जो सोसाइटी की जो आवश्यकता होती है उसमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं, और उन कॉन्फ्लिक्टों से बचना या उनसे पार पाना ही हमारी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। अगर आप ये कई बार आपने सुना होगा लोगों से कहते हुए उनको कि अगर आपकी जो इच्छाएं हैं, आपका जो पैशन है, उसी को आप अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करते हैं, मतलब जैसे आपको पढ़ाना अच्छा लगता है और आप टीचर बन गए, तो आप हमेशा खुश रहेंगे, राइट। आपको सिंगिंग अच्छी लगती है और आप सिंगर बन गए, हमेशा खुश रहेंगे आप, ऑलमोस्ट, क्योंकि आपको जो अच्छा लगता है आप उसी से पैसा कमा रहे हैं, रहोगे ना रहोगे खुश, बताओ। लेकिन आपको अच्छा लगता है पढ़ाना बट जॉब मिल गया आपको क्लैरिकल वाला, तो क्या आप उस जॉब में बहुत ज्यादा खुश रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। तो इस प्रकार से यही मैं थोड़ा समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि क्या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है और क्या कैसे कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होते हैं सोसाइटी में, ठीक है, थोड़ा सा समझने के लिए था। आगे बढ़ते हैं।
अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है मतलब, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ईच स्टेज रिजल्ट्स इन अ हेल्दी पर्सनैलिटी एंड द एक्विजिशन ऑफ बेसिक वर्च्यू. अगर किसी भी स्टेज में बच्चा सक्सेसफुल उसको कंप्लीट करता है तो वहां पर उसकी एक हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलप होती है. और ऑब्वियस बात है, जैसे इसको ऐसे समझो आप, ठीक है, इतना साइकोलॉजिकली थॉट में जाने की जरूरत नहीं है आपको. आप ये समझो कि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो और आप अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर गए. अभी आपकी पर्सनैलिटी में क्या असर पड़ेगा इसका, बोलो बोलो. पॉजिटिव असर पड़ेगा ना, क्यों? अपने ऊपर विश्वास होगा आपको कि मैं मेहनत करती हूँ, मैं सफल हो जाती हूँ. लेकिन आप ये सोचो कि आप मेहनत कर रहे हो लेकिन आप क्वालिफाई नहीं कर पाए सीटेट में या यूटेट में. रिजल्ट आया, आपके फ्रेंड्स लोगों ने क्वालिफाई किया, आप नहीं कर पाए. अब क्या असर पड़ेगा इसका आपकी पर्सनैलिटी पर? आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आपकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगी. बोलो हाँ या ना. आप एग्जाम्स देने से डरने लगोगे, यही तो होगा. यस सर. हाँ ठीक है. यस सर. हाँ तो यही बात ये कहना चाह रहा है ना. बेसिक वर्च्यूज आर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ विच द ईगो कैन यूज टू रिजॉल्व कंसिक्वेंट क्राइसिस. और जो हमारी वर्च्यूज होते हैं, जो हमारे गुण होते हैं, वर्च्यूज मतलब एक प्रकार से गुण मान लो उसको आप, जो हमारी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हैं, जो गुण हैं, जो वर्च्यूज हैं, वो हमें वो स्ट्रेंथ देते हैं, वो शक्ति देते हैं जिससे कि हम किसी भी तरह के संकट को दूर कर सके, किसी भी प्रॉब्लम को दूर कर सके. फॉर एग्जाम्पल अभी आपको मैंने बोला कि आपने मेहनत की, सीटेट में अच्छे स्कोर के साथ क्वालिफाई कर गए. अभी क्या होगा, आपके अंदर एक आत्मविश्वास बनेगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा. और अब आपके सामने कोई और प्रॉब्लम आएगी तो उसको आप फेस करने के लिए क्या रहेंगे, एनर्जाइज रहेंगे, एंथुजियाज्म आपके अंदर रहेगा, बहुत ज्यादा जोश रहेगा आपके अंदर. बोलो हाँ या ना. यस सर. हाँ तो ठीक है. तो इसी यही बात की कह रहा है कि जो आपके अंदर जो बेसिक वर्च्यूज जब डेवलप होने लगते हैं तो आप संकटों का सामना करने के लिए तत्पर हो जाते हो. फेलियर टू सक्सेसफुली कंप्लीट द स्टेज कैन रिजल्ट इन अ रिड्यूस्ड एबिलिटी टू कंप्लीट फर्दर स्टेजेस एंड देयरफॉर अ मोर अनहेल्दी पर्सनैलिटी एंड सेंस ऑफ सेल्फ. अगर इसका उलट हो जाए, जिस स्टेज में आप हो उस स्टेज को आप कंप्लीट ही नहीं कर पाए, आपने मेहनत की सीटेट यूटेट की लेकिन आप उसको क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, फेल हो गए आप, तो इसका उल्टा असर पड़ेगा आपकी पर्सनैलिटी में और आप डीमोटिवेट हो जाओगे. जितने भी नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं पर्सनैलिटी के, वो सब आपके अंदर देखे जाएंगे. आप लोगों के बीच जाने से बचोगे कि लोग पूछेंगे यार तेरा रिजल्ट कैसा रहा. आप आगे कोई एग्जाम में फॉर्म भरने से पहले 10 बार सोचोगे कि कहीं फेल हो गया तो लोग मजाक बनाएंगे, मैं कैसे फॉर्म भरूं, मेरे से तो होता ही नहीं है. इस प्रकार की नेगेटिविटी आपके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और इसकी वजह से क्या होगा कि अब आप आने वाले जो संकट हैं उनका सामना करने के लिए तत्पर नहीं रहोगे. दीज स्टेजेस हाउएवर कैन बी रिजॉल्व्ड सक्सेसफुली एट अ लेटर. बट ऐसा हो सकता है कि अब इस समय आपने मेहनत की, सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन दोबारा आपने जब मेहनत की नेक्स्ट 2023 में, वहां पर आपने क्वालिफाई कर लिया. तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पहली स्टेज में या किसी एक स्टेज में बच्चे सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए उनकी जो पर्सनैलिटी वो नेगेटिव हो जाएगी. अब उनको चांस मिलेगा, नेक्स्ट स्टेज में चांस मिलेगा और वो मेहनत करेंगे. मेहनत करके जब उस स्टेज में वो सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे उसको, तो दोबारा से वो पॉजिटिव पर्सनैलिटी की तरफ जा सकते हैं. इट मींस कि अभी आपने मेहनत की, सीटेट क्वालिफाई आप नहीं कर पाए, लेकिन आपको चांस मिला, नेक्स्ट टाइम फिर से फॉर्म आए, आपने फॉर्म भरा, आपने मेहनत की और आपने क्वालिफाई कर दिया, तो आपके पास चांस है कि आप दोबारा से क्वालिफाई कर सकते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं. बोलो हाँ या ना. यस सर. हेलो. ठीक है. यस सर. हाँ तो मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को, आगे बढ़ो. यस सर. अब ये आती हैं पर्सनैलिटी के, सॉरी थ्योरी के जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आपकी हैं, 8 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं. सबसे पहला काम तो हमारा ये रहता है कि हमको ये अवस्थाएं रट लेनी है बिल्कुल एकदम. सही सुना आप लोगों ने बिल्कुल. मैं मना करता हूँ रटने के लिए, लेकिन कुछ चीजें हमको रटनी ही पड़ती हैं. पहली अवस्था क्या है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास. आप लोग हिंदी में लिखते हुए चले इसको,
ठीक है, एक्सप्लेनेशन मैं कल की क्लास में कर दूंगा इसका, ठीक है। देखिए, विश्वास बनाम अविश्वास, ठीक है। और अविश्वास आप लिख लोगे और लगा लो उसमें। सेकंड लिखो आप ऑटोनॉमी वर्सेस शेम या डाउट, ठीक है। तो लिखिए ऑटोनॉमी को लिखिए स्वायत्तता, स्वायत्तता लिखा आपने, ठीक है। वर्सेस शेम यानी कि लज्जा शंका कुछ भी कह लीजिए इसको आप, ठीक है। शेम मतलब लज्जा या शंका, जो मर्जी आप लिखो। इनिशिएटिव मतलब होता है पहल, पहल बनाम गिल्ट, गिल्ट मतलब लज्जा होता है आपका, ठीक है। यहाँ पर संदेह लिख देना आप, डाउट लिख देना, ठीक है। संदेह लिख देना, लज्जा नीचे लिख देना, पहल बनाम लज्जा। फोर्थ, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। यहाँ पर इंडस्ट्री मतलब क्या होता है, परिश्रम, ठीक है। इंफीरियोरिटी मतलब होता है हीनता। लिखते हो जने आप हिंदी में इसको, ठीक है। फिर लिखिएगा आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, और कंफ्यूजन मतलब भूमिका संदेह, रोल कंफ्यूजन इसका पूरा नाम होता है, भूमिका संदेह, ठीक है। फिर लिखिए इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी मतलब होता है घनिष्ठता, घनिष्ठता बनाम आइसोलेशन मतलब क्या होता है, अलगाव, अलगाव। फिर लिखिए सातवां, जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। लिखिए जेनरेटिविटी का मतलब क्या होता है, उत्पादकता, जनरेट करना कुछ, कुछ बनाना, है ना। ये जनरेटर सुना होगा ना घर में आपके, होता है क्या करता है जनरेटर, बिजली बनाता है ना, तो उत्पादक, उत्पादकता बनाम स्टैग्नेशन मतलब कि क्या कहेंगे इसको बताओ, स्थिरता लिख देंगे इसको, है ना, यानी कि रुकावट बोल दें इसको, जो लिखना चाहें आप इसको ना। स्टैग्नेंट मतलब होता है रुक जाना, जैसे माना कि आपने देखा होगा कई बच्चे क्लास टेंथ में एक बार फेल हुए, दोबारा फॉर्म भरा, दोबारा फेल हो गए, तीसरी बार फॉर्म भरा, तीसरी बार फेल हो गए, अब उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, मतलब उनकी जो एजुकेशन है वो क्या हुई आपकी, कक्षा दस में रुक गई, तो हम बोलेंगे स्टैग्नेंट हो गई, समझ में आ रहा है। आप कहीं जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी में, आपको सैलरी मिल रही है 50,000 रुपीज, अगले साल भी 50,000 रुपीज, उसके बाद भी चार साल तक आपको सैलरी उतनी मिल रही है, आप बोलोगे कि आपकी सैलरी क्या है, रुक गई, तो रुक गई मतलब स्टैग्नेंट हो गई, समझ में आ रहा है। हेलो, यस सर, यस सर। इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। इंटीग्रिटी मतलब होता है आपका क्या, आत्म संतुष्टि, ये लिखा नहीं आ रहा है, लिख लेना, ठीक है। आत्म संतुष्टि बनाम निराशा। डिस्पेयर मतलब होता है निराशा, आत्मसंतुष्टि बनाम निराशा। देखो मैं बहुत बार कह चुका हूँ आपसे, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो निश्चित रूप से हिंदी में लिखेंगे, समझने में आपको आसानी होगी, बट अंग्रेजी में आप जरूर हेडिंग डालें, ठीक है, हेडिंग अंग्रेजी में जरूर डालेंगे आप, ओके, कोई डाउट तो नहीं है ना। क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि बार क्या होता है एग्जाम में ना, हिंदी के जो टर्म होते हैं गलत लिखे होते हैं, तो उसमें लिखा रहता है पेपर में ही आपके कि अगर हिंदी में कोई त्रुटि होती तो अंग्रेजी वाला ही आपका सही माना जाएगा, तो इसलिए अंग्रेजी में याद होना जरूरी है। तो आज आप लोग ये जो स्टेजेस हैं इनके नाम याद करेंगे, इनको रटेंगे आप लोग, इनका एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको मैं कल दे दूंगा। बहरहाल आप लोगों के ग्रुप में मैं जो पुराने रिकॉर्डेड वीडियो है मेरे, तो एरिक एरिक्सन की स्टेजेस के बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन उसमें मैंने किया है, वो आपको मैं शेयर कर दूंगा क्लास ओवर होने के बाद, वहां से आप समझते हुए नोट्स बनाइएगा, तो कल आपको थोड़ा आसानी रहेगी, ठीक है। अभी हिंदी की क्लास में के लिए आप रेडी रहिएगा, रिजॉइन कर लीजिए क्लास, ठीक है। यस सर। 6:15 पे, 6:15 पे।